विलियम वर्ड्सवर्थ कितनी बार फ्रांस गए? एक बार, दो बार, तीन बार। विलियम वर्ड्सवर्थ को अगर हम कहें, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ था, विलियम वर्ड्सवर्थ गए थे 1791 में फ्रांस। फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो स्लोगन थे उन्होंने बहुत प्रभावित करा था, तो 1791 में फ्रेंच रेवोल्यूशन गए थे। बाद में इनको एनेट वेलन, जो एनेट वेलन थी उनसे प्यार हो गया, शादी नहीं करी, इनसे डॉटर हुई 1792 में, कैरोलाइन। और बाद में ये 1792 में इन्हें वापस इंग्लैंड आना पड़ा। तो 1791 में विलियम वर्ड्सवर्थ करते, और बाद में गए थे 1802 में अपनी सिस्टर डोरथी के साथ में, ये अपने जो जिससे शादी नहीं करी थी एनेट वेलन से, उससे मिले, अपनी डॉटर को फर्स्ट टाइम देखा 1802 में, और इन्होंने बतलाया कि अब मैं मैरिज कर रहा हूँ मैरी से, तो कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से ये इन्हें बताने गए थे। तो दो बार, ट्वाइस, विलियम वर्ड्सवर्थ फ्रांस गए थे। When Wordsworth began friendship with college, Wordsworth ने कॉलेज के साथ में कब फ्रेंडशिप शुरू करी? 1795 का जो जिक्र आता है, ये दो डेट्स है, एक तो कॉलेज के साथ में इनकी फ्रेंडशिप हुई थी, और एक दूसरा और इंसिडेंट है, जब आएगा तो आपको पता लग जाएगा। थर्टीन क्वेश्चन, Who had left William Wordsworth a small legacy? किसने संपत्ति थोड़ी सी छोड़ी थी विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए? 1795 में एक तो विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलेज के बीच में दोस्ती हुई थी, और साथ में जो था 1795 में इनका एक फ्रेंड था, उसकी डेथ हुई थी, उसने अपनी जो लेगेसी थी थोड़ा सा रुपया वो विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए छोड़ा था। ये रुपया विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए बहुत फायदेमंद हुआ, विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट बनना चाहते थे। अब पोएट के लिए जरूरी पैसा होता है, क्योंकि उसे बुक पब्लिश करनी है। जो पैसा मिला था वो हेल्प करा विलियम वर्ड्सवर्थ की कि वो पोएट्री, अपना जो जुनून है उसे कंटिन्यू कर पाए। तो हिज फ्रेंड रेजली कलवर्ट, इन्होंने लेगेसी छोड़ी थी विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। ईयर वैसे पूछा नहीं गया है कौन सी ईयर में छोड़ी थी, लेकिन ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, हिज फ्रेंड रेजली कलवर्ट ने, जो उनके फ्रेंड थे, उन्होंने उनके लिए एक छोटे से लेगेसी छोड़ी थी, पैसा छोड़ा था विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। फोर्टीन क्वेश्चन, विलियम वर्ड्सवर्थ गेव चार्म ऑफ नॉवेलिटी टू विस थिंग्स। इसे आप खुद रीड करो पहले, क्योंकि अगर आपने विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ा है तो आपको दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में। पहले मतलब बतला देता हूँ, सटल, सूक्ष्मता। क्या हमें विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएट्री में सूक्ष्मता, जो बारीक चीज है वो मिलती है, गहराई वाली चीज? ऑफ एवरीडे, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड हम नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, नन ऑफ दीज। ऑफ एवरीडे, विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो एवरीडे रोजाना के जो कार्य थे उनका भी जिक्र करा अपनी पोम में। कोई लड़की घास काट रही है, वो कहीं पे जा रहे हैं, उन्होंने किसी को शेफर्ड को देखा, तो एवरीडे जो रोजाना के जो कार्य थे उनको विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोम में जगह दी। क्वेश्चंस जो होते हैं उनके आंसर ऑप्शन के हिसाब से बदलते रहते हैं। 15th, वेयर विलियम वर्ड्सवर्थ स्पेंड ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज विजिट इन फ्रांस। अब ये क्वेश्चन जो है अगर ये देखा जाए तो केवल हमें याद के तौर पे ही होना चाहिए, क्योंकि हम इसे ये नहीं कह सकते उन्होंने वहाँ पे क्या करा। तो ज़्यादातर स्टूडेंट सोचेंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस है तो पेरिस लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो ऑर्लियंस में ज़्यादा उन्होंने समय बिताया था, तो यहाँ पे ऑर्लियंस है। 16, देखिए रीड करिए इसे। Who said that William Wordsworth poetry is the reality, his philosophy dash is the illusion? यहाँ पे कुछ छोड़ा हुआ है बीच में, किसने कहा है? कॉलेज, मैथ्यू आर्नोल्ड, बायरन, कीट्स। ये मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएट्री जो है वो रियलिटी है, वास्तविकता है, लेकिन जो फिलोसफी है वो इल्यूजन है। विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम को हम पढ़ें तो उनमें एक इल्यूजन मिला, भ्रम मिलेगा। कई बार जो उनकी फिलोसफी है वो समझ में नहीं आती, अनइंटरेस्टिंग हो जाती है। तो ये मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा था विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए, लाइन इंपॉर्टेंट है। 17 क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ की जो पोम है VR7 और एनेक्डोट फॉर फादर्स,
ये जो पोम है ये किसके बारे में है ये बतानी है। यहाँ पे ऑप्शन जो है अबाउट अ शेफर्ड, अब फादर का जिक्र आ रहा है तो हम ज्यादातर यही होगा कि चाइल्डहुड बचपन की बात हो रही है। अगर केवल ये आता वी आर सेवन लिख देते तब हमें कन्फ्यूजन हो जाता, लेकिन फादर से हम लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो पोम की जिन पोएम्स ये जो दो पोएम्स है वी आर सेवन और एनेक्डोट फॉर फादर्स, इन दोनों पोम में चाइल्डहुड का जो सब्जेक्ट है उसको लिया गया है। पहले देखते हैं ये जो पोम थी वी आर सेवन, इनके टाइटल को आपको ध्यान से समझना होगा, इनकी लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक पोम में जरूर इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। वी आर सेवन विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक पोम लिखी थी। विलियम वर्ड्सवर्थ एक कॉटेज गर्ल, एक लड़की से मिलते हैं, छोटी लड़की से। विलियम वर्ड्सवर्थ उस लड़की से बात करते हैं, नेचर के बारे में बात होती है। उसके बाद में विलियम वर्ड्सवर्थ पूछते हैं उस लड़की से हमारे कितने भाई बहन हैं, तो वो कहती है सात हैं। फिर तो वो रुकती कहती दो खत्म हो गए। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं पांच हुए, वो कहती नहीं सात हैं। यहाँ पर दोनों के बीच में आर्गूमेंट होता है। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं जब पांच हैं दो की डेथ हुई तो पांच हो गए, वो कहती है नहीं मेरे साथ ही माने जाएंगे। तो यहाँ पे जो टाइटल है वो वी आर सेवन से लिया गया है। लड़की इमोशनल है, वो अपने जो उनके भाई बहन की डेथ हुई है दो की वो उन्हें भी अभी काउंट कर रही है। दूसरी जो पोम है एनेक्डोट फॉर फादर्स, एनेक्डोट क्या होता है, कोई इंटरेस्टिंग छोटी स्टोरी, आप कोई छोटी सी कहानी पढ़ो वो एनेक्डोट होता है। यहाँ पे जो फादर है वो अपने बच्चे के बारे में बात कर रहा है। फादर जो है वो बच्चे से बात करता है, वो कहता है कि बच्चा जो है भले ही छोटा है लेकिन काफी चीजें ये मुझे सिखाता है, मैं इससे भले ही सिखा रहा हूँ लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैं इससे सीखता हूँ। यहाँ पे जो फादर है वो कहता है आई हैव अ बॉय ऑफ 5 ईयर ओल्ड, ये ओपनिंग लाइन है। आई हैव अ बॉय ऑफ 5 ईयर ओल्ड, मेरा 5 साल का बेटा है, ये शुरुआती लाइन है। बीच की लाइन्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, कुड आई बट टीच, बट मीन्स यहां पे लेकिन है, द 100th पार्ट, मैं 100वां हिस्सा भी केवल पढ़ा पाता, मैं केवल 100वां हिस्सा भी पढ़ा पाता ऑफ वॉट जो फ्रॉम दी आई लर्न, जो मैंने तुमसे पढ़ा है। दी यहां पे बच्चा है, विलियम यहां पे जो फादर है वो अपने बच्चे 5 साल के बेटे के लिए कह रहा है कि जो मैंने तुमसे सीखा है उसका मैं काश 100वां हिस्सा भी केवल समझ पाता, पढ़ पाता, तो तुमने मुझे बहुत सिखाया और मैं 100वां हिस्सा भी तुमसे नहीं सीख सका। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिए इस पोम की। कुड आई बी बट, मैं केवल टीच द 100th पार्ट, मैं केवल 100वां हिस्सा भी तुम्हें पढ़ा पाता, जो मैंने तुमसे सीखा उसका मैं 100वां हिस्सा भी तुम्हें पढ़ा पाता, ज्ञान दे पाता। और वॉट फ्रॉम दी, जो मैंने तुमसे आई लर्न, तुम भले ही छोटे हो, जो मैंने तुमसे सीखा उसका मैं तुम्हें 100वां हिस्सा भी तुम्हें पढ़ा पाता। तो ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट लाइन है। और कौन सी पोएम की है ये, एनेक्डोट फॉर फादर्स। 18th क्वेश्चन रीड करिए इसे। द इडियट बॉय इज, पोएम का नाम भी अजीब है लेकिन पूछा गया इसके बारे में कई बार। ये जो इडियट बॉय है ये क्या है, सोनेट है, ओड है, लिरिकल पोम है, एलिजी है। हम जब विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करते हैं तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने सोनेट बहुत लिखे थे, तो हम अगर हमें नहीं पता तो हम क्या करते हैं, सोनेट लगा देते हैं। अब कंफ्यूजन क्या होता है, ओड भी लिखे थे, लिरिकल पोएम भी लिखी थी, ये लिरिकल पोएम है। यहाँ पे ध्यान रखना ये पोएम का, ये इंपॉर्टेंट पोएम है, इसके वैसे लंबी पोएम है, हम इसे पूरा नहीं पढ़ सकते, कुछ चीज़ हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। ये जो इडियट बॉय था इसके बारे में आया भी कि इडियट बॉय क्यों कहा गया है। यहाँ पे जो विलियम वर्ड्सवर्थ है उसने एक कहानी सुनाई है, बेटी फॉय और जॉनी की, लिरिकल पोम है। इसमें जो ये बेटी फॉय है ये मदर है और इनका एक लड़का है छोटा जॉनी, ये डिसेबल्ड है, चलने में से दिक्कत है। मदर जो है बेटी फॉय अपने बेटे को बहुत प्यार करती है, उसे कहीं जाने नहीं देती। एक बार जो इनकी पड़ोस में रहने वाली लेडी थी सुजैन, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अब बेटी को जो फॉय
उसे सुजैन के लिए डॉक्टर को बुलवाना है, खुद जा नहीं सकती क्योंकि वो उसकी केयर कर रही है, तो वो अपने बेटे को ना चाहते हुए जॉनी को भी एक पोनी, एक छोटे घोड़े पे बिठाकर भेज देती है। बेटा जो है वो डिसेबल्ड है, उसे चलने में दिक्कत है, डॉक्टर के पास जा रहा है, लेकिन काफी देर होती है, ये जो जॉनी है ये आता नहीं है। अब परेशान हो जाती है मदर, ये भी परेशान हो जाती है जो खुद बीमार है, ये ढूंढने आती है, डॉक्टर से मिलती है, डॉक्टर कहता है वो मेरे पास में आया नहीं। इस बीच में सुजैन भी पहुंच जाती है जिसकी तबीयत खराब थी, ढूंढते हैं, बाद में वो देखते हैं हरे भरे चारागाह में एक तरफ जो पोनी था वो घास चर रहा था, और ये जो लड़का था इडियट बॉय जॉनी, ये जो था बैठा हुआ प्रकृति का आनंद ले रहा था, तो इसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने इडियट बॉय कहा था। तो ये लिरिकल पोएम है 19। वर्ड्सवर्थ बिकेम द सपोर्टर ऑफ विच फ्रेंच पॉलिटिकल पार्टी? यहां पे हमारे पास ऑप्शन है, कई बार आंसर जो होते हैं वो ऑप्शन से हम समझ जाते हैं। पहला तो देखते हैं कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी तो उस समय जिक्र ही नहीं है, आई नहीं थी, ये तो बाद में आया है कम्युनिज्म, जो कम्युनिस्ट पार्टी है। नेशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था तो हम उससे फ्रेंच रेवोल्यूशनरी पार्टी पे ही टिक लगाएंगे। जब विलियम वर्ड्सवर्थ 1791 में फ्रांस गए तो जो पार्टी थी, ग्रुप था, नेशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, इसके मेंबर बन गए थे। 1791 में विलियम वर्ड्सवर्थ फ्रांस गए थे। एज अ पोएट वर्ड्सवर्थ हैज कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट टू विच पोएट? अब आप इसको रीड करो ऑप्शन से, ऑप्शन जरूरी नहीं है अगली बार एग्जाम में आए तो यही है, चेंज भी होते रहते हैं। पहले देखते हैं कौन सा पोएट बिल्कुल जो है अपोजिट है विलियम वर्ड्सवर्थ के। विलियम वर्ड्सवर्थ क्या थे? रोमांटिक पोएट थे। रोमांटिक जो एज थी वो बिल्कुल अपोजिट किसके थी? न्यो क्लासिकल एज के, ऑगस्टन एज के, न्यो क्लासिकल एज जिसको ऑगस्टन एज भी कहते हैं, इसके अपोजिट थी। अब इसका कौन सा पोएट है? यहां पर जॉन ड्राइडन को हम कह सकते हैं, शेक्सपियर का तो खत्म, शेक्सपियर जो था एलिजाबेथन एज, रॉबर्ट ब्राउनिंग ये तो बात के हैं, जॉन ड्राइडन न्यू क्लासिकल एज में थे, लेकिन बिल्कुल अपोजिट की बात हो रही है, जो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है वो थे पोप, अलेक्जेंडर पोप। विलियम वर्ड्सवर्थ और अलेक्जेंडर पोप की जो पोम है हम दोनों को अपोजिट कर सकते हैं। पोप की बात करें, न्यू क्लासिकल राइटर थे, पोप ने जो पोएट्री जो पोम लिखी वो मॉक हीरोइक पोम थी, हीरोइक पोम थी, लेकिन उसमें उनका मजाक उड़ाया था, वो लग पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा भले ही वो जो है एक तरीके से बड़ी पोम है, हीरोइक है, लेकिन उसमें मजाक, हर चीज को एक मजाक के सेंस में करा है। सटायर लिखा था उन्होंने पॉलिटिक्स के ऊपर, जो न्यू क्लासिकल थे उन्होंने जो पोम लिखी थी वो पॉलिटिक्स के ऊपर लिखी थी, किंग्स क्वींस के ऊपर लिखी थी, और जो इनकी लैंग्वेज होती थी, जो पोप थे इनकी लैंग्वेज, जो न्यू क्लासिकल राइटर्स थे इनकी लैंग्वेज जो हुआ करती थी वो आर्टिफिशियल हुआ करती थी। आर्टिफिशियल हुआ करती थी, कभी भी ये सिंपल लैंग्वेज में नहीं लिखा करते थे। और इन्होंने हीरोइक कपलेट में, हीरोइक कपलेट में न्यू क्लासिकल एज में लिखा गया। अब बात करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की, ये रोमांटिक राइटर थे, इन्होंने इसके अपोजिट यहाँ पे सटायर, पॉलिटिक्स, किंग्स क्वींस के ऊपर लिखा, इन्होंने क्या लिखा? कॉमन पीपल के ऊपर लिखा, साधारण लोगों के ऊपर लिखा। लैंग्वेज विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा? सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, यहाँ पे आर्टिफिशियल लैंग्वेज है। आर्टिफिशियल लैंग्वेज क्या, इससे मतलब क्या है? आप कोई चीज लिख रहे हो, आपको लिखना है ही, आप ही ना लिखो, घुमा फिरा के कोई चीज लिख दो तो वो आर्टिफिशियल लैंग्वेज हो जाती है। सिंपल सा वर्ड ना लिख के बहुत हैवी वर्ड लिखो तो ये आर्टिफिशियल बनावटी लैंग्वेज थी। इन्होंने लैंग्वेज सिंपल का कि सिंपल लैंग्वेज हो, और साधारण जो इंसिडेंट से डे टू डे लाइफ के उसके बारे में लिखा। तो यहाँ पे अपोजिट जो है पोएट वो पोप और विलियम वर्ड्सवर्थ है। The longer poems of Wordsworth contain much that is prosy and. अब prosy का means क्या होता है? पहले आप इसे देखो, prosy means होता है नीरस। विलियम वर्ड्सवर्थ की हमने जो poem पढ़ी है, खासकर जो टिंटन ने भी, ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी, ये बहुत हमें टच करती हैं, हम कई बार उनको पढ़ के प्रभावित भी होते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी poems हैं और सोनेट हैं
जिनको हमने पढ़ा ही नहीं और वो पढ़ भी नहीं सकते हम आसानी से, क्योंकि उनके अंदर जो है फालतू की चीजें ज्यादा हैं, उनको पढ़ के हमें बोरियस ही महसूस होगी। तो वो प्रोजी नीरस है। अब प्रोजी से ही कोई मिलता जुलता वर्ड हो सकता है यहाँ पे, हो सकता है कि अपोजिट भी हो, ये भी कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पे हम विलियम वर्ड्सवर्थ ने बहुत ज्यादा लिखा था, बहुत ज्यादा हम पढ़ते कुछ ही हैं जो हमारे लिए इंटरेस्टिंग है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोम है कंटेन मच, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ कंटेन मच, विलियम वर्ड्सवर्थ ने बहुत ज्यादा लिखा था, पोम जो थी सोनेट्स बहुत ज्यादा लिखे थे, उसमें बहुत बड़ी जो मात्रा थी वो प्रोजी थी, नीरस थी पोम और अनइंटरेस्टिंग, वो हमारे लिए बेकार ही है। एग्जाम से पूछा गया है, विच इज द सेकेंड बुक ऑफ द पोम रेक्लूज रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ की प्लानिंग थी कि रेक्लूज एक बहुत ही लेंथी पोएम लिखनी है। ये जो रेक्लूज जो थी उनकी प्लानिंग के हिसाब से इसके तीन पार्ट थे। रेक्लूज में एक तो फर्स्ट पार्ट में उन्होंने जो था वो प्रिल्यूड को रखना चाह रहे थे। प्रिल्यूड आपको पता है खुद बहुत लेंथी पोएम है, प्रिल्यूड 14 बुक्स में लिखी गई है, मैंने कई सारे जो क्वेश्चन है वो प्रिल्यूड के ऊपर बनाए। इस प्रिल्यूड को इन्होंने इंट्रोडक्टरी प्रोलॉग के तौर पर रखना चाह रहे थे, इंट्रोडक्टरी, किसमें इंट्रोडक्टरी होगा पार्ट होगा प्रोलॉग। ये भी इनकम्प्लीट था, जो फर्स्ट पार्ट था ये भी इनकम्प्लीट था। सेकंड पार्ट जो था उसमें यहाँ पे तीन ही ऑप्शन लिखे हुए हैं, सेकंड पार्ट जो था वो एक्सकर्जन का था, एक्सकर्जन केवल सेकंड पार्ट ही कंप्लीट था। और जो थर्ड पार्ट था जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने सोचा था कि मैं लिखूंगा, इसकी प्लानिंग करी थी लेकिन कभी पूरा हुआ ही नहीं। तो फर्स्ट और थर्ड ये दोनों ही इनकम्प्लीट थे, थर्ड तो हो ही नहीं पाया, ये तो केवल प्लानिंग ही रह गई, और फर्स्ट पार्ट भी पूरा नहीं लिखा था। प्रिल्यूड को भी वो चेंज करना चाह रहे थे इंट्रोडक्टरी के तौर पे, तो ये भी इनकम्प्लीट था। सेकंड पार्ट ही पूरा कंप्लीट था। तो रेक्लूज जो बहुत लेंथी पोएम है उसका सेकंड पार्ट जो है वो एक्सकर्जन का है और यही कंप्लीट पार्ट है। अच्छा, एक्सकर्जन माने क्या होता है? सैर सपाटा। He uttered nothing base. Who said about Wordsworth? William Wordsworth के लिए तारीफ में कहा है। अब क्या होता है, तारीफ जनरली जो करता है वो कंटेम्परेरी कम करते हैं, ज्यादातर जो आने वाले पोएट्स होते हैं वो ज्यादातर करते हैं। टेनिसन की बात करें, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, ब्राउनिंग नहीं आएगा। टेनिसन जो थे, विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई 1850 में, वो विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरेट थे, बाद में पोएट लॉरेट जो थे वो टेनिसन बनकर आए। टेनिसन जो थे वो विलियम वर्ड्सवर्थ के समय थे, लेकिन बाद में काफी समय तक विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए टेनिसन ने कहा था, ही अटर्ड नथिंग बेस, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कुछ बुरा नहीं लिखा। अगर हम विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएट्री को पढ़ें तो हमें पढ़ के ऐसा नहीं लगेगा कि अरे ये ऐसा कैसे लिख दिया, हमेशा ऊंचे आइडियल्स की बात करी। तो टेनिसन जो पोएट लॉरेट बने थे बाद में, विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद में, उन्होंने तारीफ में विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए लिखा था, ही अटर्ड नथिंग बेस। Wordsworth was appointed as Dash in 1813. William Wordsworth को 1813 में क्या बनकर आए, क्या उनको बनाया गया? Poet Laureate तो William Wordsworth 1843 में बने थे, मतलब ही नहीं बनता। यहाँ पे Distributor of Stamps for Lake District, William Wordsworth ने 1813 में Distributor of Stamps का वर्क करा था। कुछ जो डेट्स हैं वो William Wordsworth की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे 1795 में क्या हुआ था, एक तो उनको लेगेसी मिली थी, जो उनका एक फ्रेंड थे रेमंड, उनसे उन्हें लेगेसी मिली थी, कुछ रुपए मिले थे 1795 में रेजली कैलवर्ट से। विलियम वर्ड्सवर्थ को कुछ पैसे मिले थे 1795 में रेजली कैलवर्ट से। इसके अलावा 1795 में विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलेज के बीच में पहली बार जान पहचान हुई थी, उनकी दोस्ती की शुरुआत 1795 में हुई थी। इसके अलावा 1798 में क्या हुआ था विलियम वर्ड्सवर्थ की, 1795 में दो इंसिडेंट हुए थे, एक तो उनको लेगेसी मिली थी, दूसरा कॉलेज से दोस्ती हुई थी। इसके अलावा 1798 में क्या हुआ था, लिरिकल बैलेट्स लिखी थी। और 1798 में विलियम वर्ड्सवर्थ जर्मनी गए थे अपनी सिस्टर के साथ में डोरोथी और कॉलेज के साथ में, यहां पे उन्होंने कुछ समय गुजारा, कई इन्होंने जो था जर्मनी में पोएम्स लिखी थी। 1810 में विलियम वर्ड्सवर्थ
और कॉलेज के बीच में 1810 में इन दोनों के बीच में दोस्ती जो थी वो खत्म हो गई लगभग। उसका कारण ये रहा कि विलियम जो कॉलेज थे वो ओपियम के एडिक्ट थे, अफीम के आदि थे। 1810 में दोनों के बीच में एक तरीके से लड़ाई हो गई। 1813 में विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्टैम्प्स बनाया गया। और 1813 में जो एक क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर के साथ में राइडल माउंट रहने के लिए आ गए। उससे पहले विलियम वर्ड्सवर्थ कई जगह पर रहे थे। और डोरथी और विलियम वर्ड्सवर्थ 1813 में, ध्यान रखिएगा, 1813 में राइडल माउंट में आ गए थे। और पूरा समय जब तक उनकी डेथ हुई राइडल माउंट में ही उन्होंने गुजारा। अच्छा, 1814 में क्या हुआ? 1814 में जो पहला मैंने बताया था एक्सकर्जन, जो रेक्लूस के तीन पार्ट थे, फर्स्ट और थर्ड पार्ट तो कंप्लीट हुआ ही नहीं था, जो सेकंड पार्ट था एक्सकर्जन सैर सपाटा, वो 1814 में जो था पब्लिश हुआ था एक्सकर्जन।